मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन किया। शौर्य दिवस के अवसर पर मंगलवार को सीएम धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों व वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूं, इसीलिए वीरों की वीरता को समझता हूं। कारगिल के युद्ध में वीरों की राष्ट्रभक्ति अपने चरम पर थी, उनका साहस ही था जिसके बल पर युद्ध जीता गया। सीएम ने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। सभी वीरांगनाएं, उनके परिजन जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वीरगति प्राप्त की, भारत माँ की आन बान शान को सुरक्षित रखते हुए भारत माता की जय घोष करते हुए उन्होंने भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, ऐसे उनके आए हुए सभी परिजन मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ।